नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वोटर आईडी कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। अपन लॉगिन तभी कर सकते हैं जब आपने साइन अप कर लिया, अपनी आईडी एप्स में बना लीजिए, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा और यहाँ पर नीचे पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डालने के कैप्चर कोड डालने के बाद इसमें एक OTP आएगा, उसके द्वारा ये लॉगिन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, इसके आगे की प्रोसेस आपको फिर बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं हमारा पेज लॉगिन हो सकता है। इसके बाद अपन को ये नीचे आना है, फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक करना है। फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप सेल्फ में भी कर सकते हैं और अदर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड जो होता है उसका एक नंबर होता है, वो नंबर आपको डालना है। उस नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पर पूरा जो नंबर होता है उसको डालने के बाद आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरी आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको अच्छे से देख लेना है कि आप ही की डिटेल है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ओके के बटन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें आपको इस सेकेंड नंबर के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड करना है। तो इसमें फिर सेकेंड में ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके सामने इस तरह का नया एक पेज फिर से ओपन हो जाता है। इस पेज में आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए, ये देखिए, इसमें मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे जैसे, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर अपना पहले पूरा अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 अंकों का। 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आपके मोबाइल पर OTP आ जाता है तो आप यहाँ पर अपना OTP डालिए। जैसे ही आप OTP डालेंगे तो आप पर यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। वेरीफाई पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो गया है, तो इस पर आपको यहाँ से फिर क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आप नीचे वाले पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें आपको अपना स्थान का नाम डालना है जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड में लिखा हो। जैसे मेरा गांव का नाम है वो डाल देता हूँ, साइड में उसके ज़िले का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद जब ये दोनों डालने के बाद मेरे को यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, जैसे ही आप नाम डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन फिर से खुल जाएगा। तो आपको जैसे ही नाम डाल देते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, मैं इसको फिर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और नया पेज हो गया। यहाँ पर आपको पूरा ये कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड आप ध्यान से डालिए, गलत नहीं हो, गलत हो जाता तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं इसको पूरा कैप्चर कोड डाल देता हूँ, फिर उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू में कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट एंड प्रीव्यू में करूँगा तो आपके सामने इस तरह का एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में आपको पूरा आपको फॉर्म दिखेगा, इसको फॉर्म को ध्यान से देख लेना है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपके पास फिर पूछेगा यस सबमिट, तो यस कर देना। तो उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने ये नया पेज खुल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। आपकी रसीद टाइप की हो गई, इसमें एक आईडी नंबर दिया हुआ है और आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा लगभग 10 से 15 दिन में। उसके बाद अपन दोस्तों नेक्स्ट अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसको डाउनलोड कैसे करें। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।